हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज राज्य के नागरिक अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ सब सेंटरों में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। ये स्वच्छता पखवाड़ा 15 जून से 30 जून तक चलेगा। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने राज्य के सभी सिविल सर्जनों से बातचीत की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज हमने स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की है, लेकिन हमें इसे अपने जीवन में नित्य अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस खतरनाक संक्रामक बीमारी कोरोना की दूसरी लहर से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए हमें सभी पीएचसी, सीएचसी और अस्पतालों को साफ करना होगा और इस दौरान अपने अपने संस्थान का रूप निखारना होगा। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना योद्धा बताते हुए नमन किया। कहा कि सदी की सबसे मुश्किल घड़ी में इन योद्धाओं ने काफ़ी मुश्किलें आने के बावजूद भी अपने कार्य को निरंतर जारी रखते हुए दिन रात कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान हरियाणा के किसी भी नागरिक अस्पताल में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और इन योद्धाओं ने स्थिति को संभालने में अपना भरपूर योगदान दिया है। वी न्यूज़ के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में सफाई अभियान की शुरुआत की जाएगी। 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इस अभियान को चलाया जाएगा और जो उसका स्तर कायम हो जाएगा उसको भविष्य के लिए मेंटेन किया जाएगा। सबको कहा है कि स्वच्छ पानी सबको मिलना चाहिए, आरओ लगाओ सब अस्पतालों में, टैंकियों को साफ करो, सारे अस्पतालों की साफ सफाई करवाओ, रंग रोगन करवाओ, प्लांटेशन करवाओ। हमारे जिन भी अस्पतालों में हमारे पास लैंड है वहाँ पर मैसिव प्लांटेशन करवाई जाए और अगर कहीं पर कोई बिल्डिंग में रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो उसको भी करवाया जाए। देखिए, ऐसा है कि हम तो अपने सारे स्वास्थ्य विभाग को अपग्रेड कर रहे हैं, उसके लिए हमने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। हम हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, हम हर बेड जो है ऑक्सीजन बेड होना चाहिए, हर अस्पताल में आईसीयू होना चाहिए, हर अस्पताल में वेंटिलेटर्स होने चाहिए। हम तो सारी तैयारी कर रहे हैं। केटरिंग की व्यवस्था हर अस्पताल में होनी चाहिए, क्योंकि इस जो वेव आई इसमें हमने देखा कि हमारे अस्पतालों में दवाई तो लोगों को सारी मिली, लेकिन क्योंकि हमारे केटरिंग व्यवस्था नहीं थी तो मरीजों को थोड़ी दिक्कत आई, इसलिए अब केटरिंग व्यवस्था हर अस्पताल में की जाएगी।